तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिलेटिन और जिलेटिन पाउडर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जिलेटिन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रूपों में आता है। किसी भी चीज़ को यूज करने से पहले हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इसके कुछ फिजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं। जिलेटिन को आजकल बहुत यूज किया जाने लगा है। जिलेटिन को लोग आजकल खाने में, चेहरे पर, बालों पर और बहुत सी कोरोना की वैक्सीन को बनाने में भी जिलेटिन को काम में लिया गया है। खाना बनाने में काम में लिया गया जिलेटिन ज़्यादातर सही और सेफ माना जाता है। दवाइयाँ बनाने में तो आजकल जिलेटिन का उपयोग बहुत होने लगा है और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 10 ग्राम जिलेटिन को रोज 6 महीने तक यूज किया जाए तो ये सही होता है। जिलेटिन को जब आप खाकर देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता है। जिलेटिन को लेने के बाद पेट में भारीपन, सूजन और जलन हो सकती है और कई बार तो जिलेटिन से एलर्जी भी हो सकती है। ज़्यादातर जिलेटिन जानवरों की हड्डियों से निकाला जाता है और कई बार बीमार जानवर की हड्डियों से जिलेटिन को बनाया जाता है तो नुकसान कर सकता है। प्रेग्नेंट औरतों को भी जिलेटिन का यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। जिलेटिन को यूज करने के लिए इंसान की उम्र, उसके शरीर की स्थिति, हेल्थ पर निर्भर करता है। जिलेटिन के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि जिलेटिन को किस तरह यूज करना है। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो जब भी आप जिलेटिन का पैक खरीदें तो सबसे पहले उसको यूज करने के इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पढ़ लीजिए और हो सके तो किसी हेल्थ एक्सपर्ट से भी सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप जिलेटिन के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम आपकी समस्या को सॉल्व जरूर करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, आपका दिन अच्छा रहे।